ब्यावर की इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। ब्यावर के सदर थाना क्षेत्र के काबरा निवासी युवक का अपहरण हो गया है। जालिया पुलिया के पास की ये घटना बताई जा रही है। घटना के मुताबिक करीब 4 से 5 बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया है, जिसमें काबरा निवासी भगवती प्रसाद का अपहरण कर लिया गया है। प्रारंभिक दृष्टिया मामला जो सामने आया है उसके मुताबिक शांति टावर स्थित एक दुकान में भगवती प्रसाद वहां से अपनी बाइक पर सवार होकर अपने दोस्त मनोहर के साथ काबरा के लिए अपने गांव के लिए निकलता है। तभी जालिया पुलिया के पास में अज्ञात 4-5 बदमाश आते हैं। पहले बाइक से रास्ता रोका जाता है और उसके बाद मारपीट की जाती है। तभी स्विफ्ट डिजायर कार आती है और 4-5 बदमाश उसमें से निकलते हैं और भगवती प्रसाद का अपहरण कर लिया जाता है। हालांकि अपहरण किस कारणों से किया गया इसका खुलासा अभी तक नहीं हो पाया है। सदर थाना पुलिस को सूचना मिलने के बाद पुलिस ने आसपास सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू कर दिए हैं और जांच पड़ताल शुरू कर दी है। आपको बता दें कि जो दोस्त मनोहर था वो मौके से भाग छूटा, तो तत्काल उसने इसकी सूचना सरपंच को दी, जिसके बाद ये सूचना विधायक शंकर सिंह रावत के पास पहुंची और विधायक शंकर सिंह रावत भी मौके पर पहुंचे और बाहरी क्षेत्रों में बढ़ते अपराध की चिंता जताई। रोष जताते हुए सरकार को आड़े हाथों विधायक शंकर सिंह रावत ने दिया। आपको बता दें कि ब्यावर में काबरा निवासी भगवती प्रसाद का अपहरण हुआ है। 4 से 5 नकाबपोश बदमाशों ने अपहरण किया है। अपहरण के कारणों का खुलासा अभी तक सामने नहीं आ पाया है, लेकिन ब्यावर में बड़ी वारदात अंजाम हुई है। काबरा निवासी भगवती प्रसाद का अपहरण हुआ। आज ही जालिया पुलिया के पास ग्राम पंचायत जालिया मुख्यालय है, पंचायत मुख्यालय है, उसके हाईवे के बिल्कुल पास में जैसे ही ब्यावर से 2 लड़के, एक भगवती प्रसाद शर्मा और दूसरा सोनू, इसका पूरा नाम मनोज सिंह है, अब ये दोनों साथ में शांति टावर में काम करते हैं, वहाँ से रवाना हुए हैं। 7:30 बजे के लगभग ये जालिया के पास में कोई घटना घटी है और रोड में मोटरसाइकिल लेकर के ये दोनों एक ही मोटरसाइकिल पर थे और दोनों मोटरसाइकिलों में से जैसे ये लड़के बता रहे हैं कि साहब पीछे से स्विफ्ट डिजायर आई और स्विफ्ट डिजायर से 5-6 लड़के उतरे और 3-4 लड़के जो जिसके पास में मोटरसाइकिलों पर भी 2-2, 3-3 लड़के भरे हुए थे और सबके मुंह कपड़े बंधे हुए और उन लोगों ने इसकी मोटरसाइकिल के आगे गाड़ी लगा के रोकी और रोकने के बाद वो सारे नीचे उतरे। उतरने के बाद उनके साथ मारपिटाई की और इनका मोबाइल छीन लिया, मनोहर का मोबाइल छीन लिया, सोनू का मोबाइल छीन लिया और भगवती को उठा करके गाड़ी में पटक करके साथ में ले गए। का अपहरण हुआ है, पुलिस जैसे ही अपहरण करके वो ले गए हैं मेरे पास में। ये लड़का किशनपुरा पहुंचने के बाद इनकी बुआ जी का मकान है किशनपुरा, वहाँ से सरपंच साहब के पास पहुँचे। सरपंच साहब का मेरे फ़ोन पर फ़ोन आया कि साहब इस प्रकार की जालिया के पास में घटना हो गई। मैंने इनको कहा भाई मैं खुद जालिया पहुँचने वाला हूँ, ब्यावर से मैं खुद भी आ रहा था 7:30 के आसपास में। मैं यहाँ पहुँचा जब तक ये दुकानें भी खुली हुई थी, ठेले वाले भी थे, उन सबसे बात हुई तो वो कह रहे हैं साहब कि अभी किशनपुरा वाले सरपंच साहब भी आ रहे हैं और उनसे जानकारी ले रहे हैं। उसके फिर मैंने पुलिस को फ़ोन किया, पुलिस भी आ गई, ये साहब वगैरह सब आ गए हैं। अभी इस प्रकार की घटना ब्यावर शहर में घटना ये बहुत ही दुखद घटना है।